बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। एमपी को लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में ये सीईसी की बैठक हो रही है। बैठक में दावेदारों के नाम पर मुहर लगेगी। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और सदस्य अजय लल्लू शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, टीएस सिंहदेव, कमलेश्वर पटेल, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं सीईसी की बैठक में। तो आज जो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी, सहमति बनेगी, लिस्ट जो है वो फाइनल कर दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग ये हो रही है जिसमें सभी दिग्गज शामिल हैं। एमपी को लेकर सीईसी ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। सभी दिग्गज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये पूरी जो ये बैठक है ये कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, प्रत्याशियों के नाम पर जो है मंथन लगातार कांग्रेस में हो रहा है और आज भी चर्चा जो है होगी कि आखिर किस किस को टिकट देना है। सभी पर जो है मंथन किया जाएगा, चर्चाएं होंगी। दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। जल्द नामों का ऐलान भी हो सकता है, पर उससे पहले जो है ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में जो है नाम तय किए जाएंगे, नामों पर मुहर लगेगी चर्चा के बाद, और कुछ समय का इंतजार करने के बाद ये लिस्ट सबके सामने होगी। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं और कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, सीईसी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, लगभग कितनी देर ये बैठक चलने का अनुमान है और कितनी खास ये बैठक हो सकती है? रितु, देखिए ये कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही विधानसभा चुनाव के जो दावेदार हैं उनके नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी, यानी कि वो चुनाव मैदान में कांग्रेस का चेहरा होंगे, उम्मीदवार तय किए जाएंगे। और ये इसी वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी बुनियाद जो है चुनाव की वो आज यहां रखी जाएगी। उस पर नामों पर कौन कौन से चुनाव मैदान में उतरेंगे वो मोहर लगाने का काम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होने जा रहा है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि करीब 150 के आसपास सीटों पर आज चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि 150 सीटों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति अपनी रजामंदी दे दे, हर नाम पर वो एक मोहर लगा दे, ये तय कर दे कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक का ये करीब 2 घंटे तक चलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी ये 4 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और 6-6:30 बजे तक उम्मीद है कि ये चलेगी, क्योंकि 150 सीटें हैं और सभी सीटों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है तो जैसा हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि करीब 150 सीटों पर उम्मीदवार जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय कर दिए जाएंगे। इस बैठक में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं, राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और जितने दूसरे बड़े नेता हैं और तमाम राज्य से जुड़े वो सब यहां बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। अब तक जो 3 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और उस बैठक में जो नाम तय किए गए उन नामों को यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह के सीईसी में रखेंगे और सीईसी फिर उन नामों पर अपना अंतिम फैसला लेगी। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो उम्मीदवार को नाम को लेकर हो, क्षेत्रीय बैलेंस करने की बात हो या जातीय समीकरण की बात हो, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी तरह की, तो केंद्रीय चुनाव समिति जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से नाम भेजे गए हैं, प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन पर अपनी मोहर लगा देगी। हाँ, अगर कहीं किसी एक सीट पर या ज्यादा सीटों पर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, क्योंकि खासकर जो दिक्कत आती है वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को होती है, अगर कहीं कुछ बिगड़ता हुआ नजर नहीं आता है या फिर जो दावेदार है
उसकी छवि को लेकर कहीं कुछ सवाल है। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो जरूर सीईसी उन पर रोक लगाती है और फिर कहती है कि दोबारा पैनल बनाइए और भेजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी से छटकर सीईसी में रखे जाते हैं उन्हीं नामों को फाइनल कर दिया जाएगा और फिर उम्मीद की जाती है कि पितृपक्ष के बाद जो हमारे सूत्र दावा करते हैं कि कांग्रेस अपनी मध्य प्रदेश को लेकर पहली सूची जारी कर सकती है। ठीक ठीक ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जान।